तो दो बातों का ख्याल ध्यान से रख लीजिए जब भी आप स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हैं। कॉल ऑप्शन हम कहां से खरीदेंगे? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और पुट ऑप्शन हम कहां से खरीदेंगे? सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो इस सीरीज में आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप लगातार देख रहे हैं और आपकी ट्रेडिंग का अंदाज भी अब धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया है। कमेंट बॉक्स में आपके रिव्यूज पढ़ करके मुझे समझ आ रहा है कि अब धीरे धीरे आपको वीडियोस की सीरीज में मजा आने लगा है। तो जो लोग एकदम नए हैं, जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, एपिसोड 1 से देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मजेदार सीरीज है। इंडिया की ऑप्शन चेन की अब तक की पूरे यूट्यूब पर सबसे बड़ी सीरीज और सबसे डिटेल्ड ऑप्शन चेन। तो आज हम लोग क्या बातें करने वाले हैं? पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि जब सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, लगातार दो एपिसोड से हम बात कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। आज इसी सिलसिले में सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो और स्टॉक्स में हमको ऐसा सिनेरियो मिल जाए तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो हम बाजार को कैसे पहचान सकते हैं। तो स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस के सिलसिले में आज हम लोग अब बात करते हैं किसके बारे में। आज हम लोगों ने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है वो मैंने सेलेक्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अहम स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है, बहुत पुराना स्टॉक है और बहुत सारे लोग इसको इंट्राडे ट्रेड करने की कोशिश भी करते होंगे। इंट्राडे में जनरली आप ट्रेड करने जाते हैं दोस्तों, तो जनरली आप कैंडलस्टिक का या बोलिंजर बैंड का या फिर किसी ऐसे इंडिकेटर का सहारा लेते हैं, और नहीं तो फिर टेलीग्राम टिप्स का सहारा लेते हैं। तो इन सब सहारे को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो तरीका अभी मैं आपको यहां बताने वाला हूं, दिस इज द बेस्ट, सबसे यूनिक, सबसे बेस्ट। इतनी बड़ी रिसर्च आप देखते होंगे, कोई किसी का ट्रेडिंग सेटअप देखते होंगे तो 15 कंप्यूटर लगा रखा है, 5 स्क्रीन्स लगा रखी हैं, 10 स्क्रीन्स लगा रखी हैं, चार्ट्स देख रहे हैं, कैंडल्स देख रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, धमाका कर रहे हैं। बट हियर ऑल द रिसर्च हैज बीन कंसाइज टू अ पाम, आपकी हथेली में है सारा रिसर्च। यानी कि LTP कैलकुलेटर आप डाउनलोड करके हथेली में अपने मोबाइल में रख ले तो भी आपको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? तो चलते हैं, बात करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि SBI में किस दिन की बात कर रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ऐसा सिनेरियो हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने के लिए मिला था। डेट है 14 सितंबर 2023 को SBI देखने के लिए मिली थी। मॉर्निंग में 9:17 AM से डेटा मैंने लगा लिया है, 9:15 AM से 9:15, 9:17 सुबह मैंने आपको हमेशा बताया है पहला काम क्या करना है, आपको पता है, आपको इंतजार करना है 9:25 तक का एटलीस्ट, और फिर आपको आगे की बात करनी है। तो मैं इस हिस्टोरिकल डेटा को प्ले करता हूं और प्ले करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सुबह सुबह मॉर्निंग में 9:19 AM 9:19 SBI में सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 600 और SBI में रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 600। स्टॉक्स में कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है कि वॉल्यूम्स स्ट्रांग होती है, बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस पर वॉल्यूम्स दिखाई दे रही होती है हमको, लेकिन स्टॉक्स में कभी कभी कई सारे स्टॉक्स में ऐसा होता है कि हमको वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रही होती है। तो दो बातों का ख्याल ध्यान से रख लीजिए जब भी आप स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हैं, जब भी आप, मैं इसको यहां पर 9:25 पर पॉज कर दे रहा हूं, जब भी आप कॉल साइड में ट्रेड लेने जा रहे हैं, यानी कि कॉल ऑप्शन हम कहां से खरीदेंगे? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। और पुट ऑप्शन हम कहां से खरीदेंगे? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब कोई डाइवर्जन नहीं आएगा, सीधा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आएगा। तो आज मॉर्निंग में अभी बाजार चल रहा है 600 पर। अब क्या ख्याल रखना है हमको जब भी आप कॉल खरीदने जा रहे हैं? जब आप कॉल खरीदेंगे तो यानी कि आप पुट साइड की इस वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे, और जब इस वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू मिल जाएगी, और इस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आप एक कॉल ऑप्शन की खरीदारी करेंगे। इसी तरीके से पुट खरीदना होगा तो 600 के कॉल साइड की वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे, इस पर आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, और इस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आप पुट की खरीदारी करेंगे। जब आप कॉल खरीदने जा रहे हैं तो याद रखिएगा, तो मैं ये रेड कलर से कर देता हूं, ये कॉल साइड की LTPs, ये जो कॉल साइड की इन द मनी की LTPs, इमेजिनरी लाइन के ऊपर वाली जो LTPs हैं, कॉल साइड के, जब भी आप कॉल खरीदने जा रहे हैं तब की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि जब आप इस वॉल्यूम पर क्लिक कर रहे हैं और आप कॉल खरीदने जा रहे हैं, तो इन LTPs में जीरोस नहीं होने चाहिए। जीरोस नहीं होने कहने का मतलब क्या है? देखिए, इसकी वैल्यू 51 है, 43 है, 42 है, 37, 32, 28, 23, 20, 16, 13, जीरो किसी में भी नहीं है। जीरो की मैं 42.05 की बात नहीं कर रहा हूं, जीरो की बात कर रहा हूं। जीरो नहीं होना चाहिए, एक भी जीरो नहीं है तो सबसे अच्छा ट्रेड मिलेगा। एक जीरो है तो चलो ठीक है, ट्राई मार सकते हैं, दो जीरो है तो ट्रेड का रिस्क बढ़ जाएगा, तीन जीरो जो है तो लीजिए ही मत,
बिल्कुल मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर लेंगे तो आपको मार्केट टूट जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप कॉल खरीदने जा रहे हैं, यानी कि ऐसे केस में, कॉल ऑप्शन के केस में आपको इस साइड जीरोज नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से जब आप पुट खरीदने जा रहे हैं, पुट को मैं ब्लू कलर से दिखाता हूं, जब भी आप पीई खरीदने जा रहे हैं पुट, तो पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में जीरो नहीं होने चाहिए। कॉल खरीदते समय कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपी में जीरो नहीं होना चाहिए, पुट खरीदते समय पुट साइड के इन द मनी में जीरो नहीं होना चाहिए। पुट खरीदने के लिए आप कॉल साइड के वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे, जो ईओआर आएगा वहां से पुट खरीदेंगे। अब यहां पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमको मिलना है। मॉर्निंग में समय कितना हो रहा है? समय हो रहा है 9:25 AM। क्लिक करिए कॉल साइड की वॉल्यूम पर, वैल्यू मिली 596 के आसपास। ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। इसका स्टॉप लॉस कितना है? इसका स्टॉप लॉस है 594। और इसका टारगेट कितना है? इसका टारगेट है 600 रुपीज 65 पैसा। यानी कि 596 से ट्रेड लेंगे, 600 का टारगेट लगाएंगे, 594 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, लगभग 4 रुपए का टारगेट है, उससे ज्यादा 4 रुपए से ज्यादा 5 रुपीज के आसपास का टारगेट है। ये आपका ट्रेड बनेगा। और पुट खरीदने के लिए हम ये वाली, ये कॉल खरीदने के लिए हमने कहां क्लिक किया था? ध्यान से देख लीजिए, हमने 600 की पुट साइड की वॉल्यूम पर क्लिक किया था। ये पुट खरीदने के लिए हम 600 की कॉल साइड की वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे। यहां भी क्लिक करके देख लीजिए, आपका पुट का ट्रेड बन रहा है 600 रुपीज 601 के आसपास। यहां पर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 606 के आसपास और आपका टारगेट बन रहा है 596 के आसपास। मतलब 601 के आसपास जाकर के आप पुट खरीद लेंगे, 596 के आसपास का टारगेट लगा देंगे, 5 रुपीज का टारगेट, 5 रुपीज का स्टॉप लॉस। तो ये दोनों ट्रेड अब हमारे पास हैं। अब चार्ट्स में जो भी पहले आएगा, सबसे पहले 601 आ गया तो पुट खरीद लिया, और सबसे पहले 596.95 आ गया तो कॉल खरीद लिया। जो भी आएगा हम उस तरफ का ट्रेड करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। टारगेट पर स्ट्रिक्टली निकल जाना है क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों अपने आप में स्ट्रांग है। अब इस पर्टिकुलर दिन को चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको शून्य के बारे में बता देता हूं। मार्केट में जब हम काम करते हैं या ट्रेड करते हैं तो हमको प्रॉफिट लॉस दोनों ही होता है। प्रॉफिट तो हमारा होता है लेकिन उसमें से भी ब्रोकरेज जाती है, और लॉस हमारा होता है उसमें से भी ब्रोकरेज जाती है। तो जितना कम ब्रोकरेज रहेगा हमारा प्रॉफिट ऑब्वियसली चीजें उतना ज्यादा रहेगा, और लॉस होने के केस में लॉस भी ऑब्वियसली उतना कम रहेगा। तो शून्य एक ऐसे ब्रोकर हैं जहां पर आपको ब्रोकरेज लगती है बिल्कुल शून्य, यानी कि जीरो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन में, अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं और इक्विटी में अगर आप 500 शेयर से ट्रेड करते हैं तो यहां पर शून्य में आपकी ब्रोकरेज लगती है 18 रुपीज 17 पैसा। क्यों? क्योंकि आप एसटीटी देते हैं, आप एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस देते हैं, आप क्लियरिंग चार्जेस देते हैं, सेबी फी देते हैं और स्टैंप ड्यूटी देते हैं, जीएसटी देते हैं, ये सारे ब्रोकरेजेस में आप देते हैं। लेकिन यहां पर शून्य में आपकी ब्रोकरेज है जीरो। वहीं अगर आप ज़ेरोडा में करते तो आपको यही चार्जेस होते 54 रुपीज, आप स्टॉक्स में होते 65 रुपीज। वहीं अगर आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करें और किसी भी स्टॉक का लॉट साइज हो 500, ऐसे केस में आपकी जो ब्रोकरेज शून्य में लगेगी वो 84 रुपीज, कंपेरेटिवली अपस्टॉक्स में 131 और ज़ेरोडा में 143 लगेगी। अगर आप ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करते हैं और लॉट साइज है 500 और ऐसे केस में 100 रुपीज का प्रीमियम हो आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो शून्य में आपकी ब्रोकरेज लगती है 89 रुपीज, कंपेरेटिवली ज़ेरोडा में आपकी लगती है 139 और अपस्टॉक्स में लगती है 136 रुपीज। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी ब्रोकरेज जो पार्ट है वो एकदम जीरो होने के कारण आपका टोटल जो चार्जेस लग रहा है वो बिल्कुल ही कम है, शून्य। ऑलरेडी NSE और BSE और MCX ये सारे ट्रेड्स आप शून्य पर कर सकते हैं। साथ ही साथ शून्य की सबसे खास बात ये है कि ये एक्स वॉल स्ट्रीट बैंकर्स ने फाउंड किया इस कंपनी को 2009 में, और साथ ही साथ अमेरिकन मार्केट में काम कैसे होता है इन लोगों को अच्छे से पता है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज के बारे में भी अच्छे से पता है। अब ये सेबी के साथ तो रजिस्टर्ड है ही। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर हमको क्या चाहिए? एज ए इन्वेस्टर हमको चाहिए किसी के साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, ऐसी कंपनी जो सभी जगह पर रजिस्टर्ड हो, पूरी तरीके से इंडिया में रेगुलेटरी के अधीन काम कर रही हो, तो शून्य एक ऐसी ही कंपनी है। यानी कि ब्रोकरेज के मामले में नाम तो शून्य है लेकिन ब्रोकरेज भी इसका एब्सोल्युटली शून्य है। डीमैट अकाउंट ओपन करना इस पर बेहद आसान है, साथ ही साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना एब्सोल्युटली फ्री भी है। तो फटाफट अगर आपको शून्य पर अपना डीमैट ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हैं नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू। अब आगे, अब इस पर्टिकुलर SBI को हम लोग चार्ट्स पे देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट्स, SBI के चार्ट्स में आते हैं। डेट हमारी थी कौन सी? डेट हमारी थी 14th ऑफ सितंबर। 14th ऑफ सितंबर को SBI को अगर आप देखें
तो 14th ऑफ सितंबर में हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो हमने निकाला था वो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 595.65, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 601 के आसपास। तो 601 पर हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। ये 14th ऑफ सितंबर की एसबीआई का चार्ट है और 14th ऑफ सितंबर की एसबीआई के चार्ट में 601 के आसपास एक लाइन हम लोग यहां पर खींच लेते हैं, 601। ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहां से हमको पुट खरीदना है और 596 के आसपास हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट खींच लेते हैं, 596। ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जब भी एसबीआई जाएगी यहां पर हमको पुट का ट्रेड करना है। यहां से हमारा टारगेट नीचे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ईओएस, ईओएस पर आप कॉल भी खरीद सकते हैं। यहां से आपका टारगेट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक का होता है। जब बाजार यहां से आगे गया तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को पहली बार हिट किया था। एक बात हमेशा याद रखिएगा जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि पहली बार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट करेगा तो सबसे सेफ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को पहली बार हिट करेगा तो सबसे सेफ। जैसे जैसे हिट, नंबर ऑफ हिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका रिस्क इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहां पर भी हम बात करें तो बाजार की शुरुआत लगभग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास से कहीं से हुई थी, थोड़ा सा उससे ऊपर। बाजार जाता है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट करता है, 2 रुपया एक्स्ट्रा ऊपर जाता है। हाउएवर हमारा स्टॉप लॉस बहुत ऊपर है, 606 का है। वापस नीचे आता है बाजार, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हिट करता है। यहां पर वैल्यू बाजार जो लो लगाता है वो लो लगाता है लगभग इस पर्टिकुलर प्लेस पर, जो मार्केट लो लगाता है वो लगभग लो लगाता है इस जगह पर 596.50 का। अगर टारगेट अचीव हो गया तो ठीक, नहीं तो कंटिन्यूड रखिए अपनी पोजीशन। यहां पर बाजार 595 का भी लो लगा के आपके टारगेट पर ही बुक हो जाता है। यानी कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का ही टोटल ट्रेवल ट्रेड किया। अब अगर पूरे बाजार में देखें तो बाजार में हमको कोई डाइवर्जन नहीं मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही जगह पर, बाजार सीधा नीचे चला आता है फिर वापस, चूंकि सपोर्ट की वैल्यू को पूरी हिट नहीं किया है बाजार, इसलिए स्ट्रगल करता है और अंत में सपोर्ट की वैल्यू को हिट कर लेता है और उसी दिन उसी जगह पर बाजार क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही जगह पर था। तो उम्मीद करता हूं आज की ये बात भी आपको समझ में आई होगी। और ऐसे कई सारे सिनेरियोज आप निकाल के जाइए, एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कम्युनिटी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐप पर 50% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाए, और फटाफट जाकर के ऐसे कई सारे हिस्टोरिकल डेटा में आप देखना शुरू करिए कि बेसिकली किस तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में मार्केट ने काम किया है। अगर रिलेटेड कोई सवाल हो तो प्रॉपर डेट के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, डेफिनेटली मैं आपको उसका जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग नए एपिसोड में।